जय हिंद। हाँ मैं संतोष यादव, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारी बहनें लड़कियां ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ ये वीडियो छोड़ के चले जाएं, वीडियो ना देखें, क्योंकि भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जितने भी लौंडे उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं, भैया हेडफोन या कुछ भी लगा के रेडियो हो जाओ ताकि तुम ही वीडियो देखो, क्योंकि तुम्हारे काम की बात हो रही है, किसी और को ये आवाज़ ना सुनाई दे, क्योंकि तुम ऑकवर्ड फील कर सकते। ये वीडियो हम लोग बात करने वाले, जो हम लोग उल्टा सीधा तरीके से अपने वीर को नष्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं, उसे कैसे रोकें, इस चीज़ को कैसे छोड़ें। जब आप उल्टा सीधा तरीके से वीर नष्ट करेंगे, वीर भ्रष्ट करेंगे, वीर बेकार करेंगे, एनर्जी बेकार करेंगे, उसके वजह से क्या होता है, फिजिकली मेंटली सेक्सुअली हर जगह हम सुस्त हो जाते हैं, हर जगह हम वीक फील करते हैं। जहां एनर्जी की जरूरत होती है वहां हम लगा नहीं पाते, क्योंकि हम उल्टा सीधा तरीके से निकाल रहे हैं, हमारे अंदर एनर्जी है ही नहीं है, तो लगाए कैसे पाएंगे। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे, आज के बाद तुम कभी भी उल्टा सीधा तरीके बेफालतू अपने वीर को नष्ट नहीं करोगे, अपनी ताकत को नष्ट नहीं करोगे, तुम वीरवान बन जाओगे, ताकतवर बन जाओगे, और हर जगह तुम बवाल मचाओगे। टाइम बेसू करें, ले फिर आ गए। पहली चीज ये सच्चाई है कि बहुत से लौंडे, अगर 10 लौंडे हैं उसमें 9 लौंडे उल्टा सीधा तरीके से गलत तरीके से अपने वीर को नष्ट किया। पहला तरीका भैया मास्टर वेसन हस्त मैथुन, और दूसरा तरीका भैया नाइट फॉल। ये दो तरीका है जिसकी वजह से वीर ज्यादा नष्ट हो रहा है, उल्टा सीधा तरीके से नष्ट हो रहा है। पहली बात करते हैं मास्टर वेसन हस्त मैथुन से, जो लोग वीर को नष्ट कर रहे हैं, वीर को बेकार कर रहे हैं, जो हमारी इतनी एनर्जी है, इतनी बहुमूल एनर्जी है, अंत बन जगह उल्टा सीधा तरीके से नाले में बहा दे रहे हैं, उसको कैसे रोकें, होता कैसे, पहले स्टार्ट कैसे होता है। जब भी कोई बंदा हस्त मैथुन करता है, मास्टर वेट करता है, तो भैया पता है कैसे करता, पहली बार वो करता है, इसलिए क्योंकि देखते हैं क्या होता है करके, एक्सपीरियंस लेते हैं, एक बार फील करते हैं क्या होता है। जो एक बार करता है उसका दूसरी की बात वो करता है मजे के लिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं वो सोचता है कि फीलिंग आती है उसको, कहीं ना कहीं उल्टा से तरीके से उसको मजा आता है, वो करने लगता है। जब आप मजे के लिए करने लगेंगे कोई चीज, मजे के लिए, सिर्फ 2 मिनट के मजे के लिए आप करने लगेंगे, तो क्या होगा, आपकी लत पड़ जाएगी। जब आपकी लत पड़ जाएगी तो आपकी एक दिन मजबूरी हो जाएगी कि आपको मास्टरबेट करना ही पड़ेगा, हस्त मैथुन करना ही पड़ेगा, उसके आप जाल में फंस जाएंगे। आप चाहे मर जाएं लेकिन मास्टरबेट नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपका माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हो जाता है, और इसकी वजह से मेरे भाई आप इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हो, माइंड से, बॉडी से, सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, हर जगह आप कमजोर हो जाते हो, आप सुस्त हो जाते हो, और आपके काम में जो भी है आपका मन नहीं लगता, तो आप दुनिया को भूल जाते हो, सिर्फ इसी चीज का जुआ में रहते हो। तब हमको मौका मिले, हम अंड बंड काम कर दें, हम हस्त मैथुन कर दें, बस हमारा यही गोल होता है मेरे भाई, ये आपको डे बाय डे बर्बाद कर दें, क्योंकि किसी चीज की लत जो होती है, अति जो होती है, वो इंसान को बर्बाद करके ही छोड़ती है मेरे भाई। ये बहुत बेकार चीज है, इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको बंद करने का क्या तरीका है, आपको खुद से सोचना होगा, आपको खुद से मोटिवेट होना होगा। तुम एक इंद्री के, एक अंग के गुलाम हो गए, क्योंकि तुम अपने शरीर के राजा हो, लेकिन जब तुम लत किसी चीज का पकड़ाए हो, तुम उस चीज के गुलाम हो चुके हो, तुम अपने इंद्री के सहारे चल रहे हो, बाकी तुम्हारी इंद्री तुम्हारे आर्डर पे चलनी चाहिए। तुम राजा हो, सोचो कि मैं जब चाहूंगा तभी हो, किसी अंग में इतनी ताकत नहीं कि मुझे गुलाम बना सके, ये चीज सोच लो। दूसरी की चीज मेरे भाई, लाइफ में गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ, इस सब चीज से बाहर निकलो, इसे सोचो, जान लो, सच्चाई समझो कि तुम्हें बर्बाद करेगी, एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद करके रख देगी, तुम कुछ भी लाइफ में कर नहीं पाओगे। दीवार में लिख दो कि आज के बाद संतोष यादव, जो भी आपका नाम हो, लिखो कि मैं करूंगा नहीं, नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए। अब आप कहोगे संतोष भाई ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, करने में अच्छा नहीं है। मेरे भाई कोई भी चीज थोड़ा कठिन होती है, जब आपका लत पकड़ जाता है थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस से, डे बाय डे प्रैक्टिस से वो चीज छूट सकती है। अगर आप डेली कर रहे हो तो एक दिन का गैप करो, 2 दिन का गैप करो, 3 दिन का गैप करो, 4 दिन गैप, 1 हफ्ते गैप करो, 1 महीने गैप करो, डे बाय डे आप देखोगे आप एकदम बेटर होते जाओगे। आप सोच लो कि आज मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है चाहे जो हो जाए। दूसरी की चीज मेरे भाई, जब भी चीज का मन करे थोड़ा एक्सरसाइज को फोकस करो, जब भी लगे कि अरे मन हो रहा है साला 2 ही पुशअप मारो, जब मन कर रहा है ज्यादा ही ना रनिंग कर दो 10-15 किलोमीटर, जब बॉडी में एनर्जी बचेगी नहीं तो हस्त मैथुन कहां से करोगे, पुशअप मार दो साले जब मन करे, ऐसी तैसी जाए पुशअप मार दो, डंड बैठक मार दो, रनिंग कर दो, क्रिकेट खोल दो, अपनी एनर्जी फिजिकल एक्सरसाइजेज में लगाओ, ताकि एनर्जी बचे ही ना, मन साला एकदम सुस्त हो जाएगा तो आप कहाँ हस्त मैथुन करेंगे। तो वीर को हमें बचा के रखना होगा, ताकि हमारी जो मैरिज लाइफ है, हमारी फिजिकल जो लाइफ है, हमारे मेंटल जो लाइफ है, हर चीज को हम स्ट्रांग बना सके, और इस साले को हम दोबारा करेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। अब तुम्हारा एक पहचान है बे, अपने अंदर तुम सेल्फ जो रिस्पेक्ट होती है, आत्मसम्मान, उसे अपने शीशे में देखो और बोलो कि नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए, जान देनी पड़ जाए मादर चोद, लेकिन नहीं करेंगे। और ये बताओ वीर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जहाँ किया जाता है उसे तुम्हें पता नहीं कि वहाँ किया जाता है, जहाँ जरूरत हो। अब इसे कहीं भी तुम गिरा दे रहे हो, कहीं भी तुम फेंक दे रहे हो, कहीं भी नष्ट कर दे रहे हो, तो मेरे भाई प्रयोग करो, जब जरूरत हो प्रयोग करो, जरूरत ना हो उसे अपने बॉडी के लिए लगाओ, उसे अपने माइंड के लिए लगाओ, उसे अपने गोल के लिए लगाओ, एनर्जी वहाँ यूज करो। मेरे भाई जिस दिन तुम ये चीज़ छोड़ दोगे, दुनिया भले समझे ना समझे, तुम अपने आप में खुश महसूस करोगे, अच्छी फीलिंग लोगे। और मेरे भाई जहाँ हस्त मैथुन बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटा गोल है, जब तुम एक बड़ा गोल बनाओगे ना, दुनिया पे कब्जा करने वाला, आगे बढ़ने वाला, अभी तुम्हारा लेवल यहाँ है, जब तुम यहाँ पहुँचोगे ना, ये सब छोटी मोटी चीज़ें करोगे नहीं। बड़ा लक्ष्य बनाओ, मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, मोटिवेटेड रहो, कम फोकस करो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें सुनो, और ये चीज़
अपने दिमाग में डाल लो कि नहीं करना है तो नहीं करना। अब तूने डे बाई डे प्रैक्टिस किया, आपने क्या है मास्टर वेशन हस्त मैथुन छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो संतोष भाई हमको नाइट फॉल होने लगा, हम कोशिश किए हस्त मैथुन तो छोड़ दिए, हमको नाइट फॉल होने लगा क्योंकि हमारा वीर अब कहीं ना कहीं से नाइट फॉल तरीके से नष्ट होने लगा। और बहुत से लोग बोलेंगे नाइट फॉल तो नेचुरल है बे, ये तो होता ही है। मेरे भाई महीने में एक बार हो रहा है, दो महीने में एक बार है तब नेचुरल। अगर आपका डेली नाइट फॉल हो रहा है तो नेचुरल नहीं है, आपके कहीं ना कहीं आपकी लंठई है, कहीं ना कहीं आपकी गंदी सोच है, कहीं ना कहीं आपकी गंदी मानसिकता है, इसलिए नाइट फॉल डेली हो रहा है। कैसे होता है नाइट फॉल पता है? हम क्या करते हैं ना, हम जब दोस्त बैठते हैं, आप जब दोस्त बैठते हो साथ में तो अंडे बंड बात होती है, दुई कौड़ी वाली बात होती है। अब हम लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो में भी वही अंडमंड चीज़ें, दो मिनट का आनंद वाली चीज़ें देखते हैं, सुनते भी हैं हम लोग तो वही अंडमंड अश्लील भोजपुरी गीत होते हैं, अश्लील जो गीत होते हैं वही अपने माइंड में डाल रहे हैं। एक बात बताओ, तुम कांटे का वृक्ष लगाओगे तो कांटा ही देगा ना, फूल का वृक्ष लगाओगे तो फूल ही देगा ना मेरे भाई। तो इसी समझो कि जिस चीज़ को हम अपने बॉडी में जैसे डालेंगे वही तो आउटपुट मिलेगा, वही तो बाहर निकलेगा। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल चीज़ है, अच्छा वीडियो देखना है, अच्छी चीज़ें सुननी है, कोशिश करना है, अंदर भले ही कुछ अंडमान चल रहा है, जब मिलो लोगों से अच्छी बातें करो। एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल तरीका है नाइट फॉल रोकने का, वो ये है जो हम लेटते हैं आधे घंटे के लिए, जो हम लंठाई करते हैं उसी की वजह से हमें नाइट फॉल होता है। जैसे हम लेटे मोबाइल चालू कर दिए, भोजपुरी गीत चालू कर दिए, कुछ रोमांटिक पिक्चर चालू कर दिए, कुछ रोमांटिक सॉन्ग चालू कर दिए जिसमें हम लोग अंडमान तरीके फील करते हैं, और जब हम वो चीज़ें सोचते हैं, वो चीज़ें देखते हैं, वो चीज़ें सुनते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली जाती हैं भाई, ठीक है ना। जब हम सोते हैं तो उसी तरीके एक सपना आता है और हम गीला हो जाते हैं एकदम, पूरी जो चीजें हैं बारिश हो जाती है वीर की और नाइट फॉल हो जाता है। तो क्या करना है, जब भी आप लेटो कोशिश करो मोबाइल चलाओ ही मत। अगर मोबाइल चला रहे हो तो मोटिवेशन, बहुत लोग मोटिवेट कर रहे हैं मेरे भाई, संदीप महेश्वरी हो गए, A2 मोटिवेशन हो गए, जीत फिक्स हो गया, बहुत चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो आप सब्सक्राइब करो, डेली एक से दो वीडियो देखो, उसे गहराई से समझो और लाइफ में कुछ मोटिवेशन की तरफ बढ़ो। जब आप इस ऐसे वीडियोज़ देखोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें जाएंगी और जब आप सोओगे तो अच्छा सपना आपके माइंड में आएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने टेंशन ले लिया कि कहीं मुझे नाइट फॉल ना हो जाए तो नाइट फॉल होने से किसी के बाप आपको रोक भी नहीं पाएगा। नाइट फॉल को एकदम जीरो समझो कि नाइट फॉल होगा नहीं होगा मुझसे उससे मतलब ही नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना नहीं है, हो गया तभी कोई टेंशन नहीं है, नहीं हो रहा है तभी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचोगे नाइट फॉल के बारे में तो आपका माइंड उस पर नहीं जाएगा, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करेगा। एक टाइम में मुझे भी हो रहा था तो मैंने क्या किया, अब मैं नाइट फॉल का टेंशन ही नहीं लेता हूं, अगर हो रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड अगर उससे डरने लगा नाइट फॉल से तो ऑटोमेटिक नाइट फॉल आपके ऊपर हावी हो जाएगा। नाइट फॉल के बारे में टेंशन बिल्कुल भी ना लो, अपने माइंड में डाल दो नाइट फॉल मतलब जीरो, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे मुझे कोई घाटा नहीं होगा, ये मेरे बॉडी का कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ट्रेनिंग करना स्टार्ट करो, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चली जाएंगी नाइट फॉल से आप बच जाओगे। और हफ्ते में एक दिन हो रहा है, महीने में एक दिन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं। अच्छा खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, ताकतवर रहो ताकि थोड़ी ताकत निकल जाए, कोई फर्क ना पड़े। कुछ लोग ऐसे झड़े टाइप होते हैं तो मुठराज बन जाते हैं, मुठमंत्री बन जाते हैं, मुठ भक्त बन जाते हैं, तो क्या होता है और कमजोर होते जाते हैं, नाइट फॉल होता है तो और कमजोर हो जाते हैं, एकदम भ्रष्ट हो जाते हैं, जैसे लगता है मर जाएंगे साले, ठीक है ना। नाइट फॉल और मास्टर बेसन से बचो, तभी आप एनर्जेटिक रहोगे, बलवान रहोगे और हर एक चीज का मजा उठा पाओगे मेरे भाई, फिजिकली मेंटली सेक्सुअली हर जगह स्ट्रांग रहोगे, बवाल मचाते रहोगे। काम करो, नाम करो, आगे बढ़ते रहो, वीर को नष्ट ना करो और जहां जरूरत हो वहीं प्रयोग करो। जय हिंद।